हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, दो नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो जो यूरेनियम होता है, ये नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है, तो 120 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अणुशीतलन दाब कितना होता है, तो 80 mmHg होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
11 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है, तो 9 माह का होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है आलू को, बी ऑप्शन है सोडियम को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये फेरस यानी लोहा का अयस्क है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो सोना वो पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर।
24 नंबर प्रश्न है कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ओजोन परत है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो ये पारावैगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो मीथेन गैस होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है तो कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है, तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो शरीर में हानिकारक पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लोह ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक है, यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, तो जो श्वसन की क्रिया है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु है, तो जो सोना होता है ये सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो जो फ्लोरीन होता है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्रीन हाउस गैस होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो जो Hg यानी जो पारा होता है ये कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, तो जल प्रबंधन कहलाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यहाँ पे आपको बताना है कि पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, इसमें से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो जो मीथेन होता है ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पत्तियों में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है, तो ये अवतल दर्पण का होता है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। यहाँ पे आपको बताना है कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तो क्यों होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है, तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए रखा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है ये जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जैव निम्नकरणीय कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आकाश काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये अर्धप्रागम्य झिल्ली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण का उपाय है। ए ऑप्शन है नए वृक्षारोपण, बी ऑप्शन है वनों की कटाई पर रोक, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण का उपाय है, तो ये सभी है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो जो कुआं है ये एक भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो
तो एनीमिया होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है, तो जो घास होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो उत्पादक होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है चालक तार के पदार्थ पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इन सब पे निर्भर करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो भ्रूण को पोषण मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंग दर्द अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंग दर्द अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दर्द अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैंगनी रंग का तरंग दर्द कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी के कमी के कारण से बेरी बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर। 94 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो डीसी निकलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर। 97 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन है, तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है, यानी ये सभी है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न है कि पारावैगनी किरण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है सर्दी, बी ऑप्शन है त्वचा कैंसर, सी ऑप्शन है पेट दर्द, डी ऑप्शन है सर दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारावैगनी किरण से कौन सा रोग होता है, तो पारावैगनी किरण से त्वचा कैंसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से अगर आपको कोई भी प्रश्न याद नहीं हो, तो जो प्रश्न आपको याद नहीं हो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और इसका आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग रिविजन कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।